दोस्तों कई लोगों का सवाल होता है कि क्या बेस्ट है, योगा बेस्ट है या तो फिर जिम में जाकर कसरत करना बेस्ट है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे योगा वर्सेस जिम। दोस्तों दोनों के, योगा के और जिम के फायदे और नुकसान की आज हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, योगा का क्या मतलब है। टू नो योर बॉडी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कि आप अपनी बॉडी को अंदर से बेस्ट पॉसिबल वे में जान सकते हैं। और जिम का क्या मतलब है, टू ग्रो योर बॉडी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, आप अपनी बॉडी को बाहर से बेस्ट पॉसिबल वे में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, योगा यूथ के लिए बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन जिम किड्स और यूथ के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। दूसरा डिफरेंस है, योगा एकदम कम खर्चे में हो सकता है, आप कहीं पर भी अपनी मैट लेके बैठ जाओ, योगा कर सकते हैं। लेकिन जिम में ऐसा नहीं होता, आपको कुछ फैसिलिटीज चाहिए और आपको एक प्रॉपर ट्रेनर भी चाहिए, कुछ गलती हुई तो आपको तकलीफ हो सकती है। तीसरा डिफरेंस है योगा जिम के बीच, दोस्तों योगा आप बिना ट्रेनर के कर सकते हैं ऑनलाइन देखकर भी, अगर आपको हार्ड पोजेस नहीं करने हैं तो। अगर हार्ड पोजेस करने हैं तो आपको कुछ ट्रेनर रखना पड़ेगा। लेकिन जिम में आपको कम करना हो, ज़्यादा करना हो, कुछ भी करना हो, आपको ट्रेनर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कम वेट ज़्यादा वेट आपको नुकसान कर सकता है। चौथा डिफरेंस है, योगा सबके लिए सूटेबल है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो। लेकिन जिम सबके लिए सूटेबल नहीं है, जो बूढ़े हैं या तो फिर ब्लड प्रेशर या कोई बीमारी है तो उनके लिए जिम नहीं है। पांचवा डिफरेंस है, योगा के कोई भी नुकसान नहीं है, शायद कुछ छोटा मोटा हो तो, बाकी योगा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन जिम के कई साइड इफेक्ट्स है, आपको मसल्स पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर आपने गलती की तो। छठा डिफरेंस है योगा जिम के बीच, अगर आप ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते हैं तो आप फिर भी योगा कर सकते हैं, लेकिन जिम आपको प्रॉपर जगह पे ही करना होगा। अगला यानी कि सातवां डिफरेंस है, आप योगा से कम थकते हैं लेकिन जिम से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और लास्ट डिफरेंस है, योगा आपको फ्रेश, एनर्जेटिक और खुश रखता है, वही जिम भी आपको हेल्दी रखता है और एनर्जेटिक रखता है। तो दोस्तों ये थे योगा और जिम के डिफरेंसेस। आपको कमेंट में कम से कम एक ऐसा डिफरेंस लिखना है जो इस आठों में ना आता हो, और मुझे भी पता चले कि योगा और जिम के बारे में आप कितना जानते हैं। दोस्तों योगा और जिम के डिफरेंसेस आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। नो बेटर, लिव बेटर।